हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। एग्जाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर सौंदर्य आचार्या। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि संविदा करने की सक्षमता या सामर्थ्य कह सकते हैं इसको। कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ्य। तो यहाँ पर संविदा कौन कर सकता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो है आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में इसमें से फुल लेंथ क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आप एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन, जो गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की सक्षमता क्या कहते हैं, या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो संविदा करने में कैसे हैं सक्षम है, यहाँ पर जो है वो सक्षम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन 2H के ऊपर। सेक्शन 2H जो हमारा है संविदा का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो चीज़ें हमारे पास है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर, तो देखो इस तो इस तरीके से पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, यहाँ पर तो बात आती है एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट क्या होता है, तो हमने कहा एक प्रपोजल होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है और कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो प्रपोजल का मतलब प्रस्तावना, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति। तो जब प्रस्ताव आपका स्वीकृत हो जाता है तो क्या बन जाता है, वचन, या इसको कह सकते हैं हम प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर प्रॉमिस बन जाता है। और जब इसमें कंसिडरेशन को शामिल कर दिया जाता है तो फिर ये क्या बन जाता है, आपका एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ आपका होना चाहिए। तो अब बात आती है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। तो देखिए सेक्शन 10 आपको बताता है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, विधि द्वारा प्रवर्तनी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो सेक्शन 10 हमें को बताता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री कंसेंट का मतलब है कि स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विधिपूर्ण आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। और किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए आपको ये चारों चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि यदि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ में से एक चीज़ हम लोग हटा दें, क्या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो इसका आंसर है कि ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर नहीं बन पाए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने की सामर्थ्य या संविदा करने की सक्षमता। ठीक है, चलिए तो हम इसको आगे ले जाते हैं। सेक्शन 11 में हमको इसका आंसर मिलता है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए या संविदा के प्रियोजनों के लिए यहाँ पर सक्षम कौन है। ठीक है, तो सेक्शन 11 हमारा कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है आपका संविदा करने के लिए सक्षम है, लेकिन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आपके एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए यहाँ पर, मतलब उसने वयस्कता की आयु क्या कर ली हो, यहाँ पर पूरी कर ली हो। ठीक है, वयस्कता की आयु कैसी कर ली हो, पूरी कर ली, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार उसने वयस्कता की आयु को पूरा कर लिया हो। ठीक है, विच इज द सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड, दूसरी बात आती है कि वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। एंड थर्ड कैटेगरी इज कि इट इज एंड नॉट इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी विधि के वो अधीन है या जिस भी कानून से वो गवर्न होता है, उस कानून द्वारा वो कैसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो माना जाएगा कि वो कैसा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी तीन चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं। सबसे पहले बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको ये डिक्लेयर करना है कि वो संविदा करने के लिए सक्षम है, तो इन तीन पैमानों पर उसको क्या करना होगा, खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पैमाना है वो है एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब वयस्कता की आयु। सेकेंड हमारे पास जो पैमाना है वो है उसका साउंड माइंड होना, उसका स्वस्थ चित्त होना। और थर्ड हमारे पास जो पैमाना है वो है कि पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड लॉ बाय लॉ। ठीक है,
बाय लॉ इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो होना चाहिए वो विधि द्वारा, कानून द्वारा डिस्क्वालिफाइड मतलब निर्योग या निहित घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ मेजोरिटी हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एज ऑफ मेजोरिटी हमारे पास क्या है, ठीक है। तो वैक्सता की आयु की जब हम बात करते हैं, एज ऑफ मेजोरिटी की हम लोग बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1857, देखिए भारतीय वैक्सता अधिनियम 1857 का जो सेक्शन नंबर 3 है, धारा नंबर 3 है, उसके अनुसार एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया अटेन मेजोरिटी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो वो क्या कहलाएगा, आपका एज ऑफ मेजोरिटी कहलाएगा, मतलब वो वयस्क व्यक्ति कहलाएगा, ये बताया गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो एज ऑफ मेजोरिटी वैक्सता की आयु क्या है, भारतीय वैक्सता अधिनियम 1857 के हिसाब से धारा 3 में बता दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में क्या है डोमिसाइल है, भारत का निवासी है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो वो क्या कहलाएगा, आपका वयस्क व्यक्ति यहाँ पर कहलाएगा, क्लियर यहाँ पर। चलिए इसके बाद आते हैं वैलिडिटी के बारे में आते हैं इसकी, कि भाई एज ऑफ मेजोरिटी में वैलिडिटी क्या है इसकी, ठीक है, वैधता क्या है। तो पहला आता है एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वाइड एविनिशियो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो माइनर का एग्रीमेंट होता है अवैस के द्वारा किया गया जो करार होता है वो कैसा माना जाएगा आपको, वाइड एविनिशियो। वाइड एविनिशियो का मतलब होता है कि प्रारंभ से ही क्या है, प्रारंभ से ही क्या है, ये शून्य होता है, ठीक है। वाइड एविनिशियो का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रारंभ से कैसा है आपका, शून्य है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है हमारे पास मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 का यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में क्या हुआ था, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा इसे, क्लियर। प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि अवैक्सता से संबंधित महत्वपूर्ण वाद कौन सा है, ठीक है। तो धर्मदास वर्सेस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास, ठीक है। तो धर्मदास अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज फॉर सम ऑफ रुपीज 20,000, ठीक है। क्या हुआ कि धर्मदास जो एक माइनर व्यक्ति थे, अवैध व्यक्ति थे, उन्होंने एक संपत्ति को मॉर्गेज किया किस्त 20,000 रुपये के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आउट ऑफ विच द मनी लैंडर एम, तो जो मुहरी बीवी थी वो कौन थी, यहाँ पर मनी लैंडर थी, हैज पेड हिम ओनली 8,000। तो उन्होंने क्या किया कि धर्मदास को 8,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है। एम हैड नोटिस ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ डी, अब एम को क्या हुआ, यहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि डी कैसा यहाँ पर माइनर है, देन डी ने क्या किया, शिव टू सेट असाइड द मॉर्गेज। तो यहाँ पर धर्मदास ने क्या किया, उस मामले को सेट असाइड करने के लिए ये सूट लेके आए, ठीक है। इट वॉज हेल्ड बाय प्रिवी काउंसिल, तो यहाँ पर प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वाइड एव इनिशियो, कि जो संविदा है आपकी, जो करार है आपको, वो कैसा प्रारंभिकता शून्य है, एंड नो क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग मनी अरोज इन सच अ ट्रांजेक्शन। तो इस संपूर्ण संव्यवहार में जो मनी रिफंड करने की बात है ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसको हम एक प्रॉब्लम, इसको फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। डी जो है वो कौन है यहाँ पर, धर्मदास, ये कौन है आपके, धर्मदास, जो कैसे माइनर है, अवैस्क है, ठीक है। अब जो एम है यहाँ पर, ये कौन है, मोहरी बीबी है, ठीक है। अब यहाँ पर मोहरी बीबी और धर्मदास के बीच में क्या होता है, एक 20,000 रुपये में एक प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, मॉर्गेज रखी जाती है, जिसमें मोहरी बीबी क्या करती हैं, 8,000 रुपये धर्मदास को यहाँ पर दे देती हैं, क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, डी के गार्जियन है जो एम को बताते हैं कि डी कैसा यहाँ पर माइनर है, उसके बाद डी क्या करता है, यहाँ पर सेटिसाइड करने के लिए सूट लेके आता है, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 64 और 65 अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संविदाएँ शून्य होती हैं उसमें आपको, या शून्यकरणीय संविदाएँ होती हैं, अगर उसमें आप संविदा को शून्यकरणीय संविदाओं में अगर आप संविदा को शून्य डिक्लेयर कराते हैं तो उसमें आपने जो लाभ प्राप्त किया वो उसे वापस करना होता है, ठीक है, शून्यकरणीय संविदा में। तो उन्होंने भी कहा कि ये इसको आपको वापस करना चाहिए, तो उन्होंने 8,000 रुपये मोहरी बीबी ने यहाँ पर रिफंड मांगा, तो कोर्ट ने वहाँ पर मना कर दिया कि नहीं, ये तो प्रारंभिकता ही कैसा है, शून्य है। और शून्य वाले मामले में जो आपको सेक्शन 65 में बता दिया गया है, शून्य वाले मामले में पैसा रिफंड, जो भी लाभ आपने प्राप्त किया है उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लाभ वापस किया जाता है वो केवल केवल सेक्शन 64 जो वाइडेबल केसेस होते हैं, वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मामले होते हैं उन्हीं में केवल जो आपका फ़ायदा होता है वो रिटर्न किया जाता है। ये था हमारा मोहरी बीबी वर्सेज धर्मदास का जो महत्वपूर्ण केस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल नो एप्लीकेबल, ठीक है।
मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो आपका विवंदन का सिद्धांत होता है ये इसके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कहा गया सादिक अली खान वर्सेस जयकिशोर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है, ठीक है, माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कर भी लिया है, तब भी वो क्या नहीं होगा, मेजर होने पर इससे बाउंड नहीं होगा, या माइनर होने पर भी इससे बाउंड वो नहीं होगा। तो स्टॉपेल का प्रिंसिपल जो है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से रेक्टिफिकेशन की बात होती है, अनुसमर्थन, इस रेक्टिफिकेशन को हम कहते हैं अनुसमर्थन, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन की जब बात आती है कि एज द माइनर एग्रीमेंट माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, जब माइनर का एग्रीमेंट कैसा वॉइड एब इनिशियो है तो माइनर कैन नॉट रेटिफाई एंड मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। तो फिर वो बड़ा होकर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था या मैंने जो एग्रीमेंट किया था उसका मैं अनुसमर्थन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो माइनर के एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वो प्रारंभिकता ही शून्य होते हैं। जब कोई एग्रीमेंट शून्य होता है तो फिर आगे चल के वो वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन जो एग्रीमेंट आपके वैलिड होते हैं वो आगे जाके वॉइड तो हो सकते हैं, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट कभी भी आगे जाके वैलिड नहीं हो सकते। क्लियर बात? चलिए अब आता है हमारा सेकंड क्लॉज जो कहता है अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। पर्सन ऑफ साउंड माइंड का मतलब होता है कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति यहाँ पर कौन होता है। तो इस बात का आंसर आपको मिलता है सेक्शन 12 में धारा 12 में। क्लियर है यहाँ पर? चलिए तो देखते हैं कि वॉट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। संविदा करने के लिए स्वस्थ चित्त व्यक्ति कौन होता है, संविदा के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त व्यक्ति यहाँ पर कौन होता है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड, कोई व्यक्ति साउंड माइंड कहा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी संविदा के निर्माण के लिए, संविदा को करने के लिए कोई व्यक्ति साउंड माइंड या स्वस्थ चित्त कहा जाता है। इफ एट द टाइम व्हेन, देखिए इफ एट द टाइम व्हेन, उस समय जबकि वो क्या कर रहा है, संविदा को कर रहा है। द मेक इट, जब वो उसको कर रहा है, इट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब उसको समझने में कैसा हो, वो कैपेबल हो, समर्थ हो, किसको समझने में, उस संविदा को समझने में। एंड इट एंड ऑफ फॉर्मिंग, और जब वो बना रहा हो अ रेशनल जजमेंट, ठीक है, जब वो कर रहा हो तो उसके रेशनल जजमेंट को, मतलब युक्तियुक्त प्रकार से वो क्या सकते हो, एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन इट्स इंटरेस्ट, तो वो अपने हित के बारे में क्या करता है, युक्तियुक्त निर्णय लेने में कैसा हो वो सक्षम हो, तो माना जाएगा कि वो कैसा है आपका यहाँ पर साउंड माइंड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए कि एक व्यक्ति सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब वो मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो संविदा कर रहा होता है तब, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैपेबल टू अंडरस्टैंड, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब वो क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए उस संविदा को समझने में। इट एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, और एक युक्तियुक्त क्या करना चाहिए, निर्णय लेने में, रेशनल जजमेंट लेने में यहाँ पर, ठीक है, युक्तियुक्त निर्णय लेने में, कैसे, एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन इट्स इंटरेस्ट, उसके हित पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, तब वो कहा जाएगा कि व्यक्ति कैसा यहाँ पर साउंड माइंड पर्सन वो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो एक एग्जांपल आता है हमारे पास, एन इडियट, एक इडियट व्यक्ति होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इडियट को हम मूर्ख भी कहते हैं, ठीक है, मूर्ख होता है, जड़ व्यक्ति भी होता है, ठीक है, और मूर्ख व्यक्ति जो, जड़ व्यक्ति जो होते हैं ये पैदाइशी होते हैं। एन इडियट इज अ पर्सन हु इज बाय बर्थ अनसाउंड माइंड, हिज इनकैपेसिटी इज परमानेंट, ठीक है, तो उसकी जो अक्षमता है वो कैसी होती है, हमेशा परमानेंट होती है। एंड ही कैन नेवर अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट, और वो संविदा को कभी नहीं समझ सकता। एंड मेक अ रेशनल जजमेंट, उसके युक्तियुक्त निर्णय, इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त निर्णय भी नहीं ले सकता। इसलिए जो इडियट होता है वो कैसा कहलाएगा आपका, अनसाउंड माइंड पर्सन कहलाएगा, या साउंड माइंड पर्सन की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इडियट जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, मूर्ख और जड़ व्यक्ति होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड का जो सेक्शन 12 है उसका सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो क्या है आपका, सामान्यता कैसे अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति है, बट ओकेजनली, लेकिन कुछ समय पर कभी कभी क्या हो जाता है, वो साउंड माइंड हो जाता है, ठीक है, स्वस्थ चित्त हो जाता है। तो व्हेन, तो जब वो स्वस्थ चित्त हो जाता है तब वो क्या कर सकेगा, यहाँ पर संविदा कर सकेगा। उसी प्रकार से अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो सामान्यता कैसा होता है, स्वस्थ चित्त होता है, लेकिन कभी कभी ओकेशनली वो कैसा हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, ठीक है, अस्वस्थ चित्त हो जाता है, मतलब स्वस्थ चित्त वो नहीं रह जाता है। तो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब वो अनसाउंड माइंड होता है तब वो संविदा यहाँ पर
नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, एक ल्यूनेटिक पर्सन होता है, एक ड्रंकन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होता है। ल्यूनेटिक पर्सन का मतलब होता है पागल व्यक्ति। तो सामान्यतः कोई व्यक्ति अगर पागल है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो मान लीजिए ठीक हो जाता है, तो जब वो ठीक होता है तब वो क्या कर सकेगा, वहाँ पर संविदा कर सकेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ड्रंकन पर्सन, जो शराबी व्यक्ति होता है, जो पिया हुआ व्यक्ति होता है, वो हर रोज़ तो पीता नहीं है, लेकिन जब वो पीता है तब वो कैसा हो जाएगा, आपका अनसाउंड माइंड पर्सन हो जाएगा, तब वो संविदा वहाँ पर नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार से इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो होते हैं, जो नशे में चूर व्यक्ति कहलाते हैं, जो नशे में चूर होते हैं, जो बहुत नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब जो नशे के हालत में होते हैं उस समय वो कैसे होते हैं, अनसाउंड माइंड होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं माने जाएंगे। वो कैसे होंगे, आपके अनसाउंड माइंड पर्सन माने जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा सेक्शन 12। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारी आती है वो ये है कि पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। व्यक्ति कैसा होना चाहिए यहाँ पर, विधि द्वारा निर्हित घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो विधि संविदा करने में निर्हित है, घोषित नहीं किए गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी संविदा के लिए सक्षम माने गए हैं, ठीक है। परंतु निम्नलिखित व्यक्ति संविदा करने के लिए निर्हित घोषित किए गए हैं, इसको निर्हित बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अलाइनिनेमी मतलब विदेशी शत्रु, कन्विक्टेड पर्सन मतलब दोषित व्यक्ति, और इंसॉल्वेंट होते हैं जो दिवालिया व्यक्ति होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं आपके, ये सारे के सारे व्यक्ति उस पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब इन व्यक्तियों को क्या कर दिया गया यहाँ पर, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया गया है, मतलब ऐसे व्यक्ति यहाँ पर संविदा नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपको बताता है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने की सक्षमता के बारे में बताता है, जिसको हम लोगों ने तीन तरीके से देखता है। एक तो मेजोरिटी मतलब वैक्सता के आधार पर, एज के आधार पर देखा, दूसरा हमने साउंड माइंड होने के आधार पर, स्वस्थित होने के आधार पर देखा, और तीसरा हमने पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के आधार पर देखा। तो बेसिकली तीन व्यक्तियों के यहाँ पर क्या किया गया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया गया। तो ऐसे तीनों के तीनों व्यक्ति यहाँ पर, इंसॉल्वेंट व्यक्ति, कन्विक्टेड पर्सन, और जो विदेशी शत्रु होते हैं, अलाइनिनेमी जो होते हैं आपके, ये संविदा करने के लिए कैसे निर्हित घोषित किए गए हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो कृपया कमेंट कीजिए। थैंक यू।